Dear student, welcome back to channel Ajay Commerce Guru. Student, internal reconstruction, one of the most important chapter in BCom examination. तो आज मैं internal reconstruction start करूंगा और first of all आप internal reconstruction के अंदर journal entries कैसे pass करेंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे. तो आइए बेटे, सबसे पहले तो इसके history के बारे में बात करते हैं कि internal reconstruction chapter जो आपको करना है वो क्यों करना किसी कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन. बेटे रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को दोबारा से बनाना. रिकंस्ट्रक्शन मींस जैसे आप घर का रिकंस्ट्रक्शन करते हो वैसे कंपनी का हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. तो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन दो तरीकों से की जाती है, एक इंटरनल तरीका होगा एक एक्सटर्नल तरीका होगा. इंटरनल बाहर वालों को नहीं बताना, आपस में मिलकर हम रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे. एक्सटर्नल हमें बाहर वालों को बताना पड़ेगा. तो बेटे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज कंपनी कॉन्टिन्यूअसली पिछले पास्ट कई सालों से लॉस में चल रही है और उस लॉस से प्रॉफिट में आना कंपनी के लिए मुश्किल है. एट दैट सिचुएशन हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो बेटे. तो सर इस प्रॉफिट इस लॉस से बाहर आने के लिए क्या करेंगे, तो बेटे इस लॉस से बाहर आने के लिए शेयर होल्डर्स आइदर इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है वो अपने हिस्सों को छोड़ना शुरू करेंगे. क्रेडिटर भी छोड़ सकता है, डिबेंचर होल्डर भी छोड़ सकता है. तो इस तरीके से हम लोग लॉस से बाहर आ जाएंगे बच्चों. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप बैलेंस शीट के अंदर एंट्री मार लेना और बैलेंस शीट से आपको क्या चीजें ढूंढ के निकालना, दो चीजें बैलेंस शीट से ढूंढ के निकालना बेटे. एक ढूंढ के निकालना आपको इनटेंजिबल एसेट्स और दूसरा ढूंढ के निकालना आपको फिक्टिशियस एसेट्स. ये दो चीजें बैलेंस शीट से ढूंढ के निकालना है बेटे. इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल हो गया, जैसे पेटेंट हो गया, इन चीजों को आपको निकालना. फिक्टिशियस जैसे बेटे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, तो इन चीजों को आपको राइट ऑफ करना. तो पहला एंट्री जो फर्स्ट एंट्री आप रिकंस्ट्रक्शन के अंदर पास करेंगे वो करेंगे बेटे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिटेड टू इनटेंजिबल एसेट्स टू फिक्टिशियस एसेट्स. दुनिया के जितने इंटेंजिबल एसेट्स हैं और फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको क्रेडिट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करेंगे. फर्स्ट एंट्री तो ये पास करेंगे. सेकेंड एंट्री क्या होगी बच्चों, सेकेंड एंट्री के अंदर चूंकि देखो ये लॉस है, इन लॉस से बाहर आने के लिए मेजर जो बात है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस गिवन होता है एसेट साइड में उसे राइट ऑफ करना है. एक्चुअली ये लॉस होता है बेटे, इसे बुक से हटाना है. तो फर्स्ट एंट्री बेटे हमें क्या करना है जी, तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट्स टू फिक्टिशियस एसेट्स. और फिक्टिशियस एसेट्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट लॉस का अकाउंट का, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है. अब चूंकि हम कंपनी अपने वर्किंग कंडीशन से प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है और इस लॉस को हटाना भी है, तो सारे शेयर होल्डर्स जो होंगे वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ कंपनी. जैसे देखो इक्विटी का वैल्यू, ध्यान देना बेटे, इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 रुपए का एक शेयर था और 1 लाख शेयर है. नाउ दे एग्री टू टेक ओनली 4 एट द रेट. शेयर्स तो नंबर ऑफ शेयर्स तो 1 लाख ही रहेंगे. पहले इस एक का वैल्यू कितना था, ओल्ड वैल्यू 10 रुपए, अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई 4 रुपए की. तो बताओ ये कंपनी के लिए फायदा है क्या? यस सर, कंपनी के लिए फायदा है. जिस चीज की वैल्यू पहले 10 की थी अब वो घटकर बेटे 4 हो गई है. ये लायबिलिटीज होती है इक्विटी, आप सभी जानते हैं. तो कंपनी को फायदा है बेटे. और इसके लिए हम एंट्री क्या बनाएंगे, इस चैप्टर में किसी भी रीजन से अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो रिकंस्ट्रक्शन को कर लेना क्रेडिट, किसी भी रीजन से अगर लॉस हुई बेटे तो रिकंस्ट्रक्शन को कर लेना डेबिट. इन केस ऑफ प्रॉफिट वॉट एवर द रीजन, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रही है तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट में जाएगा. वॉट एवर द रीजन अगर कंपनी को लॉस है बेटे तो रिकंस्ट्रक्शन कहां पर जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा बेटे. इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू, ओल्ड वैल्यू आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल का, ओल्ड वैल्यू
₹10 था, अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई ₹4 की। तो सिंस इक्विटीज आर लायबिलिटी, तो इसकी वैल्यू अगर घटती है तो हमारे लिए क्या है जी, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के लिए आप एंट्री क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करेंगे बेटे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बेटे प्रॉफिट के लिए आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को करते हो क्रेडिट। आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख x 10, ओल्ड वैल्यू थी 10 लाख की, नाउ इक्विटी शेयर की वैल्यू 1 लाख x 4 की हो गई 4 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर जो 6 लाख का हमें बेटे प्रॉफिट हुआ है वो आप रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट कर देंगे। यही सेम टू सेम हमें काम बेटे किसके लिए करना, प्रेफरेंस के लिए भी करना है, ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर बेटे हमने देखा कैसे इक्विटी का वैल्यू कम होता है तो क्या करते हो, ऑन द सेम वे मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 1 लाख x 10 ईच, और बेटे न्यू वैल्यू हो गई 1 लाख x 5 ईच। तो सेम बेटे प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, अगर उसका वैल्यू घटता है तो हमारे लिए क्या है जी, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो आप एंट्री करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी परसेंटेज है आगे लगा दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। ओल्ड वैल्यू थी 1 लाख x 10, दैट इज 10 लाख। न्यू वैल्यू बेटे 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो हो जाएगी बेटे 1 लाख x 5 लाख। फिर 5 लाख का जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है उसे आप ट्रांसफर करेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटे अगर मान लीजिए कि ऐसे ही डिबेंचर वालों की वैल्यू, डिबेंचर का वैल्यू ओल्ड है बेटे 1 लाख का, और डिबेंचर वालों ने मान लीजिए कि 50% वैल्यू अपना कम कर दिया है, मीन्स डिबेंचर वालों ने कंपनी के लिए अपने 50% लायबिलिटीज को छोड़ दिया है, तो ये भी कंपनी के लिए फायदा है, तो उसकी इसकी एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। मैंने अभी बताया था आप लोगों को चाहे रीजन कोई भी है बेटे, अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे। बेटे 1 लाख की लायबिलिटीज अब कितना कम हो गया 50% से, यानी कंपनी को 50,000 का प्रॉफिट है, तो ये यहाँ लिख देंगे किसी भी रीजन से बेटे। सब ध्यान देना, अगर प्रॉफिट है तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा, अगर लॉस है तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट है, ठीक है बेटे। इन केस ऑफ प्रॉफिट, आप दोबारा लिख लीजिए, इन केस ऑफ प्रॉफिट आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को करेंगे बेटे क्रेडिट, इन केस ऑफ लॉसेस आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को करेंगे डेबिट। अब प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, अगर बेटे एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा, लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। लॉस कैसे होगा बेटे, अगर एसेट का वैल्यू घट गया तो लॉस है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई तो हमारे लिए लॉस है। ठीक, सिंपल सा फंडा अगर आप ये रट लेते हो तो आपको पूरे चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी। एसेट का वैल्यू घटेगा हमारा लॉस है, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट होगा। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा हमारा प्रॉफिट है, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा। बेटे लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी हमारे लिए लॉस है, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटीज की वैल्यू घट गई तो हमारे लिए प्रॉफिट है बेटे, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो गया। पूरे चैप्टर में यही फंडा है बेटे। नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ जो आपको बताऊंगा, आज के क्लास को आप सिर्फ समझ लेना, बाकी इसका इम्प्लीमेंट जो करेंगे वो अगले क्लास करेंगे। थैंक यू बच्चों।